हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लिब्रा कैल्क ये देख सकते हैं, ओपन किया मैंने और यहां पर नाम लिखा है और बीच में स्पेस दिया गया है। देखिए जैसे सूरज है तो ये फर्स्ट नेम है, फिर ये मिडिल नेम है, फिर ये लास्ट नेम है, तो बीच-बीच में स्पेस दिया गया है। तो गूगल शीट में क्या होता था कि स्प्लिट नाम का एक फार्मूला मिलता था हमको, लेकिन यहां पे स्प्लिट नाम का कोई फार्मूला हमें मिलेगा नहीं। जैसे अगर मैं इज इक्वल टू SPLIT करता हूं यहां पे, तो देखिए यहां पे स्प्लिट नाम का कोई फार्मूला हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो लिब्रा कैल्क में अगर हमको स्प्लिट करना हो तीनों को, तो कैसे स्प्लिट करेंगे? तो पहला काम तो ये कर लीजिए कि इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सीधा चले जाइए डेटा टैब में, जहां आप एक्सेल में डेटा टैब में जाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे। आपको जाना है डेटा टैब में, और डेटा टैब में जाने के बाद यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा टेक्स्ट टू कॉलम, तो बस यहां पर क्लिक कर दीजिए और हमने दे रखा है स्पेस। तो अभी देखिए यहां पर देख सकते हैं सेपरेटेड बाय स्पेस, स्पेस पे ही टिक है। अगर कुछ और हो तो आप और पे भी टिक कर सकते हैं, जैसे सेमी कॉलन दिया हो, कॉमा दिया हो या कुछ और किया हो, तो आप उसमें भी टिक कर सकते हैं। बस यहां पर ओके कर दीजिएगा, तो ये देखिए तीनों ही अलग अलग कॉलम में स्प्लिट हो जाएंगे।